a message. अरे कहाँ गए? साजो सामान तो यही है। ये आ गए। ये हैं जनाब खलिश लखनवी, शौक और पेशे से शायर, उम्र के आखिरी चौराहे पर खड़े हैं। अब बच्चे तो दूसरे शहरों में सेटल हैं, हमारे शाहिया साहब पुराने लखनऊ के एक छोटे से घर में रहते हैं। आमतौर पर शांत स्वभाव के इंसान हैं। सुबह का अखबार चाटना, मेहंदी हसन साहब की गजलें सुनना, खास लखनवी पान चबाना, दोपहर के खाने के बाद एक मीठी सी नींद इनके पसंदीदा शौक हैं, और बेगम से छुपकर फटाफट दो कष्ट लगाना इनकी मजबूरी। अरे कहाँ हो मियाँ? सुबह से बोलते बोलते हलक सूख गया। हो गया वो आपका दीवाने गालिब का काम? तो जरा कल्लन मियाँ के यहाँ से गोश्त पकड़ लाए। अरे जा रहा हूँ बेगम, जरा सबर कीजिए। अरे मोनी शर्मा, हजार बार कहा है ठीक से झाड़ू लगाया करो, ढेरों बूढ़ा जमा। बताने की जरूरत है? ये थी इनकी बेगम, फिलहाल अपनी खाला यानी मौसी के यहाँ फैजाबाद गई हैं। आदाब अर्ज है खालिश साहब। मैंने कहा आदाब अर्ज है। क्या खूब ये तासीर है। कुछ बिजी टाइप मालूम पड़ रहे हैं आज हमारे शायर साहब। जी हाँ, एक नई गजल दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तारीख और वक्त सब जहन में दर्ज है। वैसे भी शाह साहब का मुशायरा हो। अच्छा, मरहूम तो इसलिए बिजी हैं। हाँ, चलो भाई। हाँ, फिर हम तो चलते हैं। अरे मैं पहुंच जाऊँ। अरे फोन किसका है? नमस्कार सर, मैं कूरियर कंपनी से बोल रही हूँ। हाँ फरमाइए। सर आपके फ्रिज की कंप्लेंट लिखाई थी। हाँ लिखाई थी। सर हमें आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ फरमाइए। क्या कंप्लेंट लिखने के 24 घंटे के भीतर हमारा मैकेनिक पहुँच गया? हाँ पहुँच गया। सर क्या हमारे मैकेनिक के व्यवहार से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल। सर क्या उसके काम से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, फ्रिज ठीक काम कर रहा है। आप फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं? आफ्टर सेल सर्विस चाहे हो या ना हो, लेकिन आफ्टर सर्विस फीडबैक ये बड़ा जरूरी है। आप बेशक 10 पे 10 भर लें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरी ड्रिल पहले भी 2 बार हुई। हेलो नमस्कार सर, मैं रिंगो मोबाइल नेटवर्क से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिस्टर खलीश लखनवी से बात कर रहा हूँ? जी हाँ जी हाँ। सर आपका मोबाइल नंबर? हाँ वही है जो आपने मिलाया है। ओ, सर आपका कनेक्शन पोस्टपेड है ना? आपके पास स्कैन कार्ड नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल है सर। बस मैं ये बताना चाहता था कि आपके लास्ट मंथ का बिल आ गया है ना? हाँ आ गया। सर बिल जमा करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। हाँ बिल में इसका खुलासा किया गया है और 3 दिन पहले मैं जमा भी कर चुका हूँ। आपके बिल जमा करने की तारीख याद रखने तक का जिम्मा अपने सर पे ले लेती हैं ये कंपनियाँ। भाई हम तो इसको लोड शेडिंग कहते हैं। अब किसका फोन आ गया? नमस्कार सर, मैं जीवन ज्योति इंश्योरेंस से बोल रही हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट ले सकती हूँ? हाँ जी दीजिए। सर हमारी कंपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च कर रही है, इसमें डिस्काउंट मुझे 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 नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहिए। कपड़े में लटके हुए हैं और आप मुझको सजबा दिखा रही हैं 20 साल बाद के। विकेट नाइंसाफी। हाँ कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? मुसद्दीलाल से। ये यहाँ कोई मुसद्दीलाल नहीं रहते। मतलब? मतलब ये कि यहाँ कोई मुसद्दीलाल नहीं रहते। अरे ये कैसे हो सकता है? अब ये तो मुसद्दीलाल ही जानते होंगे कि वहाँ यहाँ क्यों नहीं है वो। अरे मगर ये नंबर जना, ये रॉन्ग नंबर है। अरे पर नंबर तो यही दिया था। ओ, अब नंबर का क्या है? कोई शाहरुख खान और करीना कपूर का भी दे सकता है। अरे तो आप कहाँ से बोल रहे हैं?
लखनऊ से, कोई ऐतराज? सुल्तानपुर रहता है भाई, तो मैं क्या करूँ, सुल्तानपुर रहते हो या रख दे बेटा फोन, रख दे। अगर यही फोन तूने थोड़ा दूर कानपुर कर दिया होता ना, तो अभी तक हो जाता तेरा। नहीं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को। हाँ नहीं, बेहतर होगा आप तो इधर आराम ही कर लें। मालिक मैनेजर, हाँ जो भी हो उनसे आप बात करेंगे। हाँ जी, ऐसा है कि मुझे भी सिक्स पैक ऐप बनवाने हैं अपने। ओ। तो वैसे उम्र मेरी 74 साल है। मजाक? अरे मजाक तो आप लोग कर रहे हैं। 74 साल के बूढ़े को बॉडी बिल्डिंग का मैसेज करते हो, 60 साल की बुढ़िया को ब्यूटी पार्लर का मैसेज भेजते हो, एक मामूली से क्लर्क को 40 लाख का फ्लैट ऑफर करते हो, और मातम में बैठे हुए आदमी को मुन्नी बदनाम हुई की टोन रिंग टोन के बारे में बोलते हो। मतलब क्या है कि क्या मतलब है? छेड़ रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो सबसे। बल का समझ गया तेल लेने, केस कर देना चाहिए तुम लोगों के ऊपर अहमक कहीं के। फोन स्विच ऑफ। अंधेरी को खलीस साहब बैक टू वर्क। भाई बड़ी हिम्मत है। हाँ चुन्नन, अरे माल भेजा क्या? अरे कौन चुन्नन, कैसा माल भाई? आवाज नहीं पहचान रहे? जहीर बोल रहा हूँ, सकाबगंज से। अरे यहाँ कोई चुन्नन नहीं रहता है। अरे मियाँ चुन्नन, तुमने कहा था ना कि इस बार पूरा कबाड़ मेरे के बेचोगे। अरे कबाड़ा के नाम पर मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, तुम्हें चाहिए तो आकर ले जाओ यहाँ से। धंधे के टाइम पर ना तो मजाक हम क्या करो। देखो तुम्हारे साथ मेरा मजाक करता नहीं, तो मजाक करता हूँ। हाथ में टाइम खराब करो मेरा। हेलो। अरे मियां, किसके दिमाग का पट्टा बना रहे इतनी देर? बार बार एंगेजमेंट रिंग बजती जा रही। अरे भाई राउंड नंबर था, इतनी देर से बात कर रहा था वो। तो ये आप ही के फोन पर रॉन्ग नंबर क्यों आता है और मोबाइल क्यों बंद किए बैठे? बेगम इतवार को मुझे एक मुशायरे में शिरकत करनी है, ये गजल लिख रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ, फोन के मारे 2 लाइनें लिखना दुश्वार हो गया है मेरा। बंद ना करूँ फोन तो क्या करूँ आगे? तो मुशायरे में जाकर कौन सा कारू का खजाना लूट लोगे? इससे तो अच्छा वो रज्जन बनवाड़ी है जो 4 पैसे तो कमा कर घर ले आता है। ये मुआ शेर व शायरी के बूते एक नथनी भी गड़वा के ना दे पाया। हाँ भाई नहीं गड़वा पाए, अब आप मुद्दे पे आइए। अरे खाला 2 दिन और रुकने को कह रही है। हाँ तो रुक जाइए, क्या क्या परेशानी है, रुक जाइए। और हाँ, ये मोबाइल बंद करने वाला खेल बंद करिए। मोबाइल में बंद करने का बटन होता है इसलिए बंद कर देता हूँ, कोई आपकी जुबान तो है नहीं कि मैं बंद न कर पाऊँ। हेलो। हाँ यार तेजिंदर बोल रहा हूँ, तेजिंदर। हाँ यार मेरा ये नया मोबाइल नंबर है, फीड कर लो भाई। हाँ ठीक है, फीड कर लेता हूँ। और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं यार, तुम तो कभी फोन ही नहीं करते यार। नहीं यार, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने, अरे वो भी तो मैंने ही किया था यार। शायद। और सुना, सब ठीक है? और भाभी जान कैसी हैं? आजकल खाला के यहाँ फैजाबाद गई हुई है। अच्छा, और सुना और भी पटिंडा के चक्कर नहीं लगाता? देखता हूँ निकला यार, कभी भाभी जान के साथ थोड़ा महफिल शहफिल जमेगी, कोई कुक्कड़ चुक्कड़ पाड़ेंगे यार। यार ये बता यार, अपना ये जो रमेश और महेंद्र है उसके भी तो लड़के वही लखनऊ में ही है, वो कभी विजिट करते हैं क्या? सुना है मुलाकात नहीं। और सुना सब ठीक है? और अपना बिट्टू है ना, वो गड्डी वाली पिंकी का घरवाला।
हाँ वो आजकल कनाडा चला गया अब बड़े मजे कर रहा है यार। अच्छा गुड गुड वेरी गुड। और सुना क्या पास टाइम है? कुछ खास नहीं बस थोड़ा टीवी देखी है कभी कभी देखा पढ़ना तो यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ लिखना शिखना शुरू कर दूं यार वो कोई वही नॉवेल शामिल है यार वो चंगा रहेगा ना। हाँ बट यार एक ही प्रॉब्लम है यार वो कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता यार तू कुछ सब्जेक्ट सोच के बता। और सुना कोई नई खबर? नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। यार तेरे को अभी नई किताब शिताब पे काम चल रहा है? हाँ काम तो चल रहा है। तू लिखता कर रहा यार तू लिखता रहा कर यार तेरा तू कालीन मुशारे में नहीं तूने बड़ा बढ़िया आइटम दिया था यार। वो आइटम नहीं गजल थी भाई। वो एक ही बात है यार। और सुना और सुना और सुना और सुना और सुना और सुना यार यार तेरी भाभी ना तैयार हो गई है यार अब निकलता हूँ यार हाँ फिर बात करेंगे। हेलो हेलो हु इज ऑन लाइन कौन बोल रहे हैं? हेलो कौन बोल रहे हैं जी? आपको किससे बात करनी है? ऐसे ही कोई खास नहीं आप ही से कर लेते हैं। मतलब मतलब व्हाट मतलब मतलब बात करने में कोई हर्ज है? आपने कौन मेरे ख्याल से मैं आपको नहीं जानता। अरे बात होगी व्हेन यू स्पीक टू मी तभी तो जानेंगे ना। पर क्यों किसी में मैं आपसे बात करूंगी? अरे तो आपने फोन क्यों रखा हुआ है अगर बात नहीं करनी तो? मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि रॉन्ग नंबर है। ओके आई एम फाइन विद इट। तो वही सही आपने ही फोन से तो मिलाया है आपके फोन से थोड़ी मिलाया है और बिल भी लेना ही आ रहा है। लेकिन मेरे पास इस फालतू गुफ्तगू के लिए वक्त नहीं है मैं कर रहा हूँ। अरे अरे वेट 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 ऐसा मत कहिए। ठीक है इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। ये आपकी इंसानियत है कि गलत नंबर मिलाकर दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ओफो अब मैं नहीं क्या करूं दो घंटे से बोर हो रहा हूं और कोई जान जान का फोन ही नहीं लगा। शरीफ आदमी रहे हैं शरीफ आदमी यू ब्लडी रास्कल। ओहो अभी तो बड़ी शराफत से बात कर रहे थे सर। शराफत कब जमा गया धुलने के लिए? यू ब्लडी रास्कल बेगम कहती है फोन खुला रखिए क्या खुला रखिए।